अस्सलाम वालेकुम। आज के मीट अ साइंटिस्ट सीरीज के सेशन में हम आपकी मुलाकात प्रोफेसर डॉक्टर इमरान जावेद साहब से करवाएंगे। डॉक्टर साहब टेन्योर्ड प्रोफेसर हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में। इसके अलावा आप डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम टू पाक साई कॉम। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब आपके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। आपकी पीएचडी का जो रिसर्च एरिया था वो क्या था, किस यूनिवर्सिटी से आपने की और प्रोफेशनल आपके जर्नी का आगाज कैसे हुआ? डॉक्टर साहब मैंने पीएचडी की थी अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस से, जो कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया था जीसीयू लाहौर के इलाक के साथ। तो वहाँ पे सिलसिला ये होता था कि इंटरनेशनल प्रोफेसर्स को इनवाइट किया जाता था और वो जो इंटरनेशनल प्रोफेसर्स है वो वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते थे और वो हमारे सुपरवाइजर थे। मेरे सुपरवाइजर रोमानिया से थे और मेरी जो फील्ड है वो हम उसको ग्राफ थ्योरी बोलते हैं और उसमें पर्टिकुलरली डिस्टेंसेज इन ग्राफ्स पे मैंने काम किया था और प्रोफेशनल पीएचडी करियर में। का सर, आपका जो प्रोफेशनल प्रोफेशनल करियर करियर मेरी का नवंबर 2007 में मैंने पीएचडी मुकम्मल की थी और मैं जनवरी 2008 से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स से वाबस्ता हूँ। मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था और फिर अब 19 से अक्टूबर 19 से मैं यहाँ पर प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स का। सही। डॉक्टर साहब अभी तक आप कितने स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर चुके हैं और किस किस रिसर्च एरियाज पे करंटली आप काम कर रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं 8 पीएचडी सुपरवाइज कर चुका हूँ अब तक, जिनमें से मेजॉरिटी जो लोग थे वो ग्राफ थ्योरी के एरिया में ही थे। उनमें से 2 लोग एल्जेब्रा से रिलेटेड थे, फिर हम उसमें जो ग्राफ थ्योरी को हम दूसरी फील्ड्स के साथ मर्ज करके काम करते रहे। मैं 60 से जायद एमफिल सुपरवाइज कर चुका हूँ और लगभग 50-60 जो हैं वो बीएस के सुपरविजन्स हैं। तो वो बीएस सुपरविजन्स माशाल्लाह। एक्चुअली जो ग्रेजुएशन क्लासेस हैं उनको हम इतना काउंट नहीं करते, तो उनका काउंट भी 50 से ऊपर ही होगा। और जो करंटली आप जिन स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं किन किन एरियाज में मेजरली काम है? जो अब मेरा पिछले कोई 2 से 3 साल से जो इंटरेस्ट है वो डिसीजन मेकिंग की फील्ड में है। तो हम ये जो आजकल बड़ा बूम है डेटा साइंस का, तो हम लोगों ने एक चीज एक्सप्लोर करना शुरू की कि हमारी फील्ड जो है कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग डेटा साइंस और ये जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं हम इनके तरफ जा सकते हैं। एक्चुअली इशू ये आ रहा है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं इस वक्त अगर वो कन्वेंशनल डिग्री करते चले जाएं, तो मैं एज सुपरवाइजर जो एंड प्रोडक्ट होगी मेरा जो ग्रेजुएट होगा मैं ये सोचता हूँ कि उसको जॉब कहाँ मिलेगी। तो अगर तो मैं अपनी फील्ड के जैसे ही काम करवाता रहूँ तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है जो उसका स्कोप है वो कम होता चला जा रहा है। जब मैंने पीएचडी की थी तो हम 3 दोस्त थे, हम ग्राफ थ्योरी में पाकिस्तान में पहले लोग थे, लेकिन अब हमारे बाद इस फील्ड में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। तो जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आपको ऑलरेडी इन फील्ड्स के एक्सपर्ट मिलते हैं। उसकी वजह से अब जो मेरी एक अपने स्टूडेंट के बारे में सोचा कि अगर वो इसी डिग्री के साथ आगे जाएगा, जिस तरह की डिग्री मेरी है, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो फिर हमने उसको थोड़ा सा जो मॉडर्न ट्रेंड्स है उनके साथ मिक्स करना शुरू किया। तो जो हमारा अब इंटरेस्ट है वो डिसीजन मेकिंग विद अनसर्टेनिटी, उसको हम ग्राफ थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ रिलेट करते हैं। और एक स्टूडेंट को मैंने कंट्रोल थ्योरी एंड ग्राफ थ्योरी पे काम करवाया, बल्कि करवा रहा हूँ अभी। तो अभी मेरे पास 5 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं और 4 एमफिल स्टूडेंट्स हैं। माशाल्लाह तकरीबन 70 से ज्यादा आप रिसर्च स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और 21वीं सदी के तकाजों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि तलबा के पास कौन सी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए? अपना जो मेरे जो मैं सोचता हूँ जिस तरह से, क्योंकि मेरी फील्ड मैथमेटिक्स है, तो अब मैं जो भी सोल्यूशन दे रहा हूँ अब उनमें से अक्सर चीजों के तो ऑनलाइन सोल्यूशन अवेलेबल है। हम लंबे लंबे जो सोल्यूशन मैनुअली देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जी किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कंप्यूट करनी है, मुझे वो खुद से करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं ऑनलाइन कंप्यूट कर सकता हूँ। मुझे ये वेरीफाई करना है कि जी ये ग्राफ किस इसका पैटर्न क्या है, तो मैं ऑनलाइन वो सारी चीजें कर सकता हूँ। तो जो अब हमें जो मॉडर्न स्किल्स मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से चाहिए कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है उनके बारे में वो जानता हो, और अब हमें सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना,
अब हमें साथ उनका कोड प्रोवाइड करना है ताकि जो मॉडर्न इरा में जो जो अभी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, इस इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में अगर वो कोड कर पाए, और जिसको ये जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है जो आजकल हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम कहानी शुरू ही इंफॉर्मेशन सिस्टम से करते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी जो सबसे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है वो हमारी मैथ्स की जुबान में, आप जिसको टेबल बोलते हैं ना, आम साइंटिस्ट जिसको डेटा टेबल बोलता है, हम उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन, उस डेटा टेबल का जो एनालिसिस है, आप जैसे ही वो करने लगेंगे तो अब टेबल्स के अंदर जो एंट्रीज हैं उनमें बड़ी वैरायटी है, और फिर उस सारी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैथ्स टर्मिनोलॉजी चाहिए। तो अब अगर आप ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े ना जो मॉडर्न ट्रेंड्स पे हैं, तो वो अगर मैथ्स से हटके लोगों के हों तो वो उनको पहले एक दिलासा दिया जाता है कि ये देखें जी इसमें ज्यादा मैथ आपको नहीं मिलेगी, जबकि हकीकत ये है कि वो ये बात कह तो देते हैं कि आपको ज्यादा मैथ नहीं मिलेगी, कुछ देर के बाद फिर उनके आगे मैथ आ जाती। तो इस वजह से अब हम ये समझते हैं कि हम लोगों को कन्वेंशनल मैथ्स नहीं करनी, हमें मैथ्स को जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उनके साथ मर्ज करना है। जब हम वो मर्ज कर पाएंगे तो फिर चीजें हमारी कदरे बेहतर होंगी, और जो हमारे जो दुनिया के साथ हम चल सकेंगे, और जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है हम उससे पीछे नहीं रह पाएंगे, बल्कि शायद हम भी किसी हद तक कंट्रीब्यूट कर पाए उसमें। अच्छा सर, आपका जो ताल्लुक है वो पॉलिसी मेकिंग से, डिसीजन मेकिंग से भी रहा है, तो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस के हवाले से आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी का क्या रोल है और क्या पॉलिसी इसके लिए बेहतरीन रहेगी? देखिए, यूनिवर्सिटीज तो मुल्क को चलाने के लिए एक जो ब्रेन होता है वो तो यूनिवर्सिटीज में होता है। पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली अब तक ये कल्चर ही नहीं है। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी न्यूटेक के नाम से 4-5 साल पहले। उन लोगों ने एक बड़ी सीरियस एफर्ट की थी और के जी वो चीजों को करें। उन लोगों ने प्रैक्टिकली करना शुरू किया की चीजें। हम लोग ये ज्यादातर ना जो आम डिग्री यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे ये ऑरेक्स के बनने के बाद अब कुछ इस साइड पे चीजें चली हैं कि जी जो औरक है उन्होंने अपने इनक्यूबेशन सेंटर्स बना लिए हैं, तो थोड़ा बहुत रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। जो मैं जिस तरह से अपने फील्ड के हिसाब से सोचता हूँ कि जी हमें तो इंडस्ट्री, जो स्टूडेंट है उनको इंडस्ट्री लेके जाना है, वहां पे जाके हमें उनके मसले समझने हैं, उनके मसले समझने के बाद वो किस किस्म के चैलेंजेस में फंसे हुए हैं, हमें उनके सॉल्यूशंस प्रपोज करने हैं, हमें उनको मॉडर्न ट्रेंड से रोशनास करवाना है। तो अभी वो जो अच्छी बात यह है कि डिस्टेंसेस कम होना शुरू हो गए ऑरेक्स की वजह से, लेकिन अभी भी हम उस स्टेज से बहुत पीछे हैं जहां पे यूनिवर्सिटी के लोग इंडस्ट्री के लिए डायरेक्ट बेनिफिशियल हो और इंडस्ट्री वाले यूनिवर्सिटी के लोगों को डायरेक्टली वेलकमिंग हो। बात शुरू हो गई हुई है लेकिन अभी हम उस स्टेज से पीछे हैं जहां पे हमें ये रियल टाइम चीजें होती नजर आए। मेरा जाती तौर पे एक इंटरेस्ट है कि आजकल जब आप कहते हैं जी डेटा इज द मॉडर्न ऑयल, और ये जो हमारा रेवोल्यूशन है ये भी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, तो इस इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में बीइंग मैथ स्टूडेंट मैं ये सोचता हूँ कि जी जो इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग में सबसे जो स्ट्रॉन्ग टूल्स है वो तो मैथमेटिशियन के पास है। तो हम अगर आम अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी को फर्दर टूल्स दे सकें, हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। आपने जो पाइथन का आप हर जगह पे आजकल जो मॉडर्न जी पाइथन प्रोग्रामिंग और जो पाइथन के साथ जी मशीन लर्निंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ये सारी की सारी है ही सारी मैथमेटिक्स। इसमें आपको कंप्यूटर की बैकग्राउंड बिल्कुल चाहिए, आपको कोडिंग करनी आनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ उस पे नहीं टिक सकते। आपको जो अनसर्टेनिटी हैंडल करने के लिए स्टेटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो उसमें जैसे ही प्रॉब्लम आपका कॉम्प्लेक्स जाएगा तो आपको उसकी सारी मॉडलिंग मैथ्स की मॉडर्न और बड़ी जो है ना हार्ड कोर मैथमेटिक्स चाहिए आपको, स्पेशली फंक्शनल एनालिसिस, स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस और इस तरह की चीजें जो है वो आपको चाहिए। तो अब हम ना जो जो 20 साल पहले जिस तरह का हमारा कि हमारी अप्रोच थी सब्जेक्ट की, अब वो वर्क नहीं करेगी। अब हमें जो जदीद रुझानात हैं उनके मर्जेस के साथ जाना पड़ेगा। हम लोगों ने ना अपने डिपार्टमेंट की हद तक, हम तकरीबन 2-3 साल से ना इसके पीछे लगे हुए थे कि हम इसमें कंट्रीब्यूट कर पाए, तो हमने अपने क्यूरिकुलम को इस लिहाज से रिवाइज किया, और हमारा ये गुमान है कि हम शायद पाकिस्तान ईजीयू का जो मैथ्स डिपार्टमेंट है उसका क्यूरिकुलम सबसे अपडेटेड है,
और हम इस जो हमने करिकुलम की बात हम पब्लिकली इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बाकी हमारी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और जो बाकी रिलेटेड डिसिप्लिन है उनके लोग हमारे इस जो क्लेम है या जो हम बात कर रहे हैं इस पे डिबेट हो, हमारे करिकुलम को रिव्यू किया जाए और जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी इस तरह की डिबेट हो और अल्टीमेटली पाकिस्तान में एक ऐसा हम उस करिकुलम पे पहुंच पाए कि जो मॉडर्न ट्रेंड्स के मुताबिक और अल्टीमेटली जो हमारी यूथ है वो इससे बेनिफिट ले सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने करिकुलम की बात की इससे और आज जो पॉलिसी मेकिंग है, इस दोनों दोनों टॉपिक से रिलेवेंट मेरे माइंड में एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो है एंटरप्रेन्योरशिप का। आपका क्या ख्याल है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसकी क्या अहमियत है हमारे जो मॉडर्न करिकुलम में, या हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरह इसके बारे में आगाह कर सकते हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप ही मुस्तकबिल है। दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक है उनके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे पास यूथ बहुत ज्यादा है, हम एक हैविली पॉपुलेटेड मुल्क है, रिसोर्सेज कम है और जो हमारे पास लोग हैं वो बहुत ज्यादा है, तो जवानों के पास अब रास्ता ही एक बच गया। हमारी जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो तो ऑलरेडी हम सरप्लस में इंडक्शन किए बैठे हैं, अब इसलिए हमारा तो जो सारी डिपेंडेंसी एंटरप्रेन्योरशिप है कि जो यंग लोग हैं वो नए आइडियाज के साथ आए, वो अपने जो सब्जेक्ट को एक साइड पे सीखें, दूसरी साइड पे वो ये देखें कि ये जो सब्जेक्ट है इसको रियल टाइम में इंप्लीमेंट कैसे कर पाऊंगा और जब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या है। अब हम सिर्फ वो जो क्लासरूम कल्चर है ना जी, क्लासरूम में आप बैठे, आप लेक्चर लें, आप एग्जाम दें, आप डिग्री लें, तो दिस इज ऑलमोस्ट अ रिडंडेंट प्रैक्टिस नाउ। अब तो हमें लेटेस्ट पे जाना पड़ेगा जी कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की जो सारी बारीकियां हैं उनको समझ रहे हो कि जी जब आपने बिजनेस में जाना है, आपने कोई नया आइडिया लेके आना, तो वो आइडिया बड़ा हॉस्टाइल कंपटीशन फेस करेगा, आपका जो राइवल है वो आपको टिकने नहीं देगा, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट दैट इजी, इट विल नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट, नो ऑल द नो हाउ ऑफ द मॉडर्न ट्रेंड्स। जो भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने अब बड़े अच्छे कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो जी प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं यूथ को, इश्यू ये है कि क्या हमारी यूथ जो है वो इक्विप्ड है उन स्किल्स के साथ कि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर पाए। तो उसके लिए अब हमारे करिकुलम में पहले तो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स होता था और वो कोर्स हम करवाते थे और जो हमारी एक वो जो कहते हैं ना जी देख दूसरे को देख के हम चलते हैं, तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स ही मुमकिन है बोरिंग लगे, वो इंटरेस्ट ही ना ले। अब जबकि उसको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए, उसको देखना है कि बिजनेस की दुनिया में मैंने सर्वाइव कैसे करना है, किस तरह से मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, किस तरह से मुझे वो जो पूरा उसका लीगल एनालिसिस है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो मैंने कैसे पूरी करनी है। तो अब जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला मामला है, हमें ना सिर्फ करिकुलम बदलना पड़ेगा, हमें अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा टुवर्ड्स एजुकेशन, और ये ट्राइका से होगा, ये फैमिलीज में पहले तो डिबेट होगी, फिर ये क्लास जो हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी है उसमें डिबेट होगी, फिर जो हमारा स्टूडेंट है वो इस सारे जो है ना मॉडर्न ट्रेंड इसको समझेगा कि देखिए मेरे सर्वाइवल का इसके अलावा तो और ऑप्शन ही नहीं है, और जो हमारा क्यूरिकुलम है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यूरिकुलम तो अब आप आजकल क्यूरिकुलम से बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि आपको जिस चीज का जवाब ढूंढना है वो तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, क्यूरिकुलम तो आप लोगों ने सिर्फ डिग्री लेने के लिए बचा लिया, जो मॉडर्न लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको गूगल प्रोवाइड करी जाता है, आपने जिस भी चीज को सर्च किया चार दिन, पांचवें दिन गूगल आपको उसकी लेटेस्ट चीजें बता रहा है, यूट्यूब पे आप चार वीडियोस देखेंगे तो आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी। तो मेरी नजर में क्यूरिकुलम ठीक है, क्लासरूम की हद तक हमें उसको अपडेट तो करते रहना चाहिए, लेकिन क्यूरिकुलम में एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये आपको बिल्कुल उस दिन की डेवलपमेंट नहीं बता रहा, तो जो आज का ग्रेजुएट है उसका तो न्यूज़पेपर ही उसकी फील्ड रिलेटेड न्यूज है ना, क्योंकि वो उसको सिर्फ अपनी जो रूटीन का न्यूज़पेपर है वो नहीं पढ़ना, उसको ये देखना है कि जो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आज के दिन में क्या डेवलपमेंट हो रही है। जैसे वो होता है ना जो कंप्यूटर, टिपिकली हमें पता होता है कि कौन सा मोबाइल फोन आप मार्केट में आने वाला है, कौन सा लैपटॉप मार्केट में आने वाला है, तो आप वो जो लर्न अनलर्न रीलर्न के फेज में है, हम वी हैव टू डू इट वेरी वेरी क्विकली, द ओल्ड वो जो होता था ना कि डिस्पोजेबल लर्निंग, वी लर्न एंड देन वी फॉरगेट एंड देन वी कैरी द डिग्री, वी गो टू यूनिवर्सिटी एंड वी विल सर्वाइव, That is not going to work anymore. जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, आपसे बात करने का बहुत मजा आया,
और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आपने इंतहाई सूदबंद बातें की हैं इससे हमारी यूथ को, फैकल्टी मेंबर्स को और पेरेंट्स को वो इससे इस्तेफादा लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का।